के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक महिला ने रो रोकर पुलिस कर्मियों पर उसके पति और उसके साथ मारपीट कर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल मामला नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल का है। पीड़ित महिला अमरीन का आरोप है कि वह अपने पति आरिफ के साथ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान वह अपने पति के साथ वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े होकर अपने किसी रिश्तेदार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसी समय अस्पताल चौकी का एक पुलिसकर्मी उन्हें संदिग्ध मानकर उसके पति को पकड़कर चौकी में ले गया। आरोप है कि जहां पर पुलिसकर्मियों ने उसके पति के साथ जमकर मारपीट की, जिसका विरोध करने पर पीड़ित महिला अमरीन के साथ भी पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई। अमरीन का आरोप ये भी है कि उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है वो उसका पति है, उनकी शादी भी हो रखी है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने महिला की एक ना सुनी और पीड़ित महिला के पति को चौकी पर ही बैठा लिया, जिसके बाद पति को पुलिस की चुंगल से छुड़ाने और आरोपी पुलिसकर्मी कर कार्रवाई को लेकर महिला आला अधिकारियों से शिकायत करने जिला कलेक्टर पर पहुंची, लेकिन तहसील दिवस होने के कारण कोई अधिकारी पीड़ित महिला को वहां नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता ने तहसील दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। क्या कहना है अमरीत पीड़ित महिला का सुनिए। मैं अस्पताल गई थी, वहां पर जाके बाइक खड़ी की हमने, मेरे हस्बैंड हम दोनों बात करने लगे। हम चाची का अपनी वेट कर रहे थे, बस अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे। हम जो वेट कर रहे थे, हम पुलिस वाला एक कभी इधर से चक्कर काटा, कभी इधर को आके मुझे बुलाया, इधर आ। मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आती। मैंने मना कर दिया आने के लिए, कह रहे इधर आ। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को बुला रहे दोबारा, मैं कह रहा तू वहाँ खड़ा हो, पैसे भेज, मुझे बुला रहे थे। मैं गई नहीं, जब मैं गई नहीं तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या कहो मेरी वाइफ को, बताओ क्या मामला। मेरे हस्बैंड के साथ इतनी मारपीट की, इतनी मारपीट की, लागे को वहाँ बंद करके मारा कमरे में, और मुझे भी ले गए थे। मैं गेट पर खड़ी हो गई, मैं अंदर नहीं गई, मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रहे थे। मैं अंदर नहीं गई, मैं गेट पर खड़ी हो गई, मेरे पे चौकी के गेट पर। तो फिर उन्हें अंदर ले जाके और पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया और अंदर ले जाके बहुत ज्यादा मारपीट की और मेरे साथ ही बाहर जाके बदतमीजी करी इन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों। इस मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी राजेश कुमार द्विवेदी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तहसील दिवस पर एक शिकायत प्राप्त हुई है कि अस्पताल में पार्किंग स्थल पर कुछ विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है, अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है राजेश कुमार द्विवेदी सीओ सिटी मुजफ्फरनगर का, सुनिए। देखिए, आज एक शिकायत प्राप्त हुई है और जिसमें ये हॉस्पिटल का कुछ मैटर दिखाया गया पार्किंग के समय से, जहाँ जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह पार्क की जाती हैं, वहाँ उसके हस्बैंड से कुछ न्यूसेंस हुआ था और उसके बारे में जांच कराई जा रही है। मुझे जो शिकायत मिली, जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी होती है। आपको बता दें कि जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान चलाया गया है, तो वहीं अगर रक्षक ही भक्षक जैसी घटनाएं करेगा तो कैसे महिला सुरक्षित रह पाएगी। ताजा रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर